नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, पिछले वीडियो के साउंड टेस्ट के बाद मैंने अपने स्पीकर बॉक्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था। उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिला है। आज मैं आप लोगों को वही रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, साउंड क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और साथ ही मैंने जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। मैंने अपने लेफ़्ट साइड वाले स्पीकर बॉक्स के वूफर के लिए सील्ड वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, नीचे और ऊपर वाले पोर्शन को एक साथ अटैच करके, और अब इसका सील्ड वॉल्यूम जो है वो 47.5 लीटर हो गया है वूफर के लिए, और साथ ही मिड रेंज के लिए पोर्टेड वॉल्यूम जो है वो लगभग 4.8 लीटर है। इस वाले स्पीकर बॉक्स में मैंने ट्विटर को भी बाहर की तरफ से लगा दिया है, और साथ ही जो ट्विटर का होल था वो एक पोर्ट का काम करेगा केवल मिड रेंज के लिए। वूफर हमारा सील्ड ही रहेगा इस वाले स्पीकर बॉक्स में। इस सील्ड स्पीकर बॉक्स के लिए डैम्पिंग के लिए मैंने एग्जिस्टिंग पॉलीफिल ही यूज़ किया है, ग्लास वूल का अरेंजमेंट मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, और मैं इसको लूज फिल किया है अच्छे से क्योंकि ये सील्ड है। दोस्तों, अब बात करते हैं राइट वाले स्पीकर बॉक्स की। जो राइट में स्पीकर बॉक्स है वो पोर्टेड है, और इसका वॉल्यूम जो है लगभग 50 लीटर होगा वूफर के लिए, और जो मिड रेंज है उसके लिए वॉल्यूम जो है वो लगभग 2.5 लीटर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट बॉक्स बनाया है जिसका वॉल्यूम 2.5 लीटर है, और वो प्रॉपर अच्छे से सील्ड किया गया है मिड रेंज को वूफर की वाइब्रेशन से बचाने के लिए। दोस्तों, पोर्टेड स्पीकर होने की वजह से मैंने पॉलीफिल की पतली लेयर का यूज़ किया है डैम्पिंग के लिए इसमें, और जिसको मैंने डबल साइड टेप से अपने स्पीकर बॉक्स पे चारों तरफ अच्छे से पेस्ट कर दिया है। दोस्तों, दोनों ही स्पीकर बॉक्स की एयर लीकेज को सभी कॉर्नर से मैंने अच्छे तरीके से रोक दिया है। अब इन दोनों स्पीकर बॉक्स में कोई भी एयर लीकेज नहीं है। साथ ही दोनों ही स्पीकर बॉक्स की वॉइस की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही शानदार आ रही है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें, और जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को सील्ड स्पीकर बॉक्स की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी या पोर्टेड की आवाज़ अच्छी लगी। हालांकि रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, ये शायद डिफरेंस इतने अच्छे से रिकॉर्ड आपको करके ना बता पाए, बट फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, आप बताइएगा, प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। मैं जो है दोनों स्पीकर बॉक्स को एक साथ भी चलाऊँगा, और दोनों ही स्पीकर बॉक्स को अलग अलग करके भी आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ अभी।